असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनॉनिमस की पब्लिक आज हम खेल रहे हैं रैंडम पाकिस्तानी प्लेयर के साथ। रैंडम स्क्वाड ज्वाइन किया तो ये लोग कुछ बोले ही नहीं, बस उन्होंने मैच स्टार्ट कर दिया तो मैंने वो कुछ सीन दिखाया नहीं आपको। अब दो लोग जो थे ना गाइस, वो जा रहे थे शूटिंग रेंज और वो बोले थे भाई हम तो करेंगे रैंक पुश, और हमने रैंक पुश करना नहीं था, हमने खेलना था रश गेम प्ले। तो हमने फैसला किया हम जाएंगे नोवो यानी कराची बाबा जी। तो जिसने अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका, दबा दो, तोड़ दो, ठोक दो लाइक बटन। अनॉनिमस की पब्लिक, अनॉनिमस की आर्मी, अनॉनिमस की फैमिली। हम लोग नोवो जा रहे थे, नोवो यानी कराची, जिसके पास पानी है, जिस पे सीवी भी होता है, ये। और हमारे साथ एक बंदा आ रहा था जिसका नाम था कोबरा डीजे। थैंक यू भैया आने के लिए हमारे साथ, वरना दो बंदे तो भाई बोल रहे थे भाई हम रैंक पुश करेंगे और जाएंगे शूटिंग रेंज जहाँ कोई नहीं आएगा और वहाँ हम मज़े से जाना अपनी मनमानी करेंगे, लूट करेंगे, रैंक पुश करेंगे, कैंपिंग करेंगे। लेकिन बाबा जी हमने तो जाना था कराची। जितना बोलता हूँ ना मैं बकबक करता रहता हूँ। मैंने अभी तक आपको सस्ती शायरी नहीं सुनाई, तो सुनानी पड़ेगी। तो आज की सस्ती शायरी हम बड़ी अजीब व गरीब सुनाने वाले हैं। बाबा जी अर्ज़ किया है, आपको बोलना है 5 बार वाह 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 वाह। ओके, बाबा जी अर्ज़ किया है, जब आई बिल्ली तो सब ने कहा शू शू शू, वाह 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 वाह। जब आई बिल्ली तो सब ने किया शू शू शू, उसने बोला आई लव यू, मैंने बोला आ थू। सस्ती शायरी, ख़राब शायरी विद अनॉनिमस बाबा जी। तो इस अजीब व गरीब शायरी के बाद और अपने अनॉनिमस की पब्लिक के दांत निकलवाने के बाद हम लैंड कर चुके हैं नीले नीले कंटेनर पर। डुड़की लगा के सामने हमें गन नज़र आई और एनर्जी ड्रिंक नज़र आई। गन हमारे पास सकारल है तो सकारल उठा लेंगे। और कालिया भैया को नज़र आता है बॉट, क्योंकि बॉट को मारेंगे केड़ी ज़्यादा करेंगे। लेकिन नहीं भाई, बॉट भैया बच चुके हैं। थोड़े अपने भाइयों की आवाज़ कम करेंगे क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़ोर से बोल रहे थे और मैं नहीं चाह रहा था कि आपको मेरी कमेंट्री में उनकी ज़्यादा आवाज़ आए तो लाइक ख़राब हो जाए काम। यहाँ पे आके मैं एक और सकारल मिली और बंदे आए थे, हमें लगा पहले बंदे नहीं आए लेकिन बंदे आए थे। वो एकदम आगे वाले कंटेनर पे लूट कर रहे थे बाबा जी। तो लूट से मुझे याद आ जाता है मेरा लॉ कि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। स्कारल लेके और AKM लेके, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है सबकी, AKM M4 भी है बट AKM ऐसी हर गेम में होती है, लाइक IJ में भी थी और भी काफ़ी गेम्स में M4 है, ओ सॉरी AKM है। AKM काफ़ी बंदों की फेवरेट है और आज तक यूज़ होती है रियल लाइफ में भी, जिसको हम AK-47 भी बोलते हैं। तो मैं विरस के पास आ गया, विरस में थे बाबा जी बंदे, मतलब बंदा, मतलब एक बंदा। सर जी वेरा, ओ सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप डब्बे के पीछे गए हो। तो यहाँ पे हमने अपने पांडा के सर वाले भाई को नॉक किया, फिनिश करेंगे इनको। और यहाँ पे दूसरा बंदा आ रहा है, साउंड लिया, इस बंदे को भी डाउन किया गाइस, और हमने उसके बाद फिनिश किया इसको और उसको भी फिनिश किया। अब इसकी करेंगे लूट और बाबा जी फिर हम जल्दी से गैस। देखो आप अगर हैंट्री भी यूज़ करते हो ना तो अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लाइक जो मैं यूज़ करता हूँ वो ऑडियोनिक की है। आप किसी अच्छी क्वालिटी की हैंट्री लो और लाइक वहीं पे शॉप पे यूज़ करके देखा करो। मैं ऑडियोनिक की लेता हूँ और काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी अच्छे साउंड आता है। आखिरी बंदा मैंने यहाँ पर इनको फिनिश किया और उसके बाद तीनों किल मुझे मिले। तो अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऑडियोनिक की है, आप भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी अच्छी शॉप से आपको मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे साउंड देती है। लेकिन फिर भी कुछ उसमें फेक भी लाइक लोकल भी आ रही होती हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना पहले अच्छे से, उसके बाद ही लेना। बाबा जी नोवो क्लियर करने के बाद हमने यहाँ से उठाई मेहरान गड्डी। मेहरान गड्डी में अपने डीजे भैया को बुलाया और डीजे भैया गाने चला रहे थे मेहरान गड्डी में, ढिंचक 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 ढिंचक, और सीधा हम पहुँच गए मिलिट्री बेस बाबा जी। मिलिट्री बेस की जालियों के नीचे से गाड़ी निकाली, पहाड़ के सज्जे खब्बे से घुमा गए, हमारे दोनों टीममेट नॉक हो चुके हैं जो रैंक पुश करने गए थे। अच्छा खास एक बात पता है, जो बंदा रैंक पुश करने जाता है ना, जो रैंक पुश कर रहा होता है बैंड उसी की बजती है और वही बंदा मरता है, और जो रश खेल रहा था वो बच जाता है। तो बजाय रैंक पुश करने गए थे, दोनों ने फिर सोग मनाया थोड़ी देर और उसके बाद लीप कर देंगे दोनों। और फिर हम ढूंढ रहे थे मिलिट्री में बंदे, जो कि हमें फिर यहाँ पे शॉट्स आए तो हम यहाँ पे गाड़ी रोक दी, मेहरान गड्डी साइड पे लगाई। पहले वाली बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा मैं और उसके बाद हमें एक नज़र आएंगे मामे हीर दे। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं,
और तेरे बम पे फायर मार के कर दिए मैंने छेद, छुपा के रखा था सबके सामने खुल गया तेरा भेद। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, हमें मिल गया नेड। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, फिर हमने मारा बॉट द ग्रेट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, फिर हमें पड़ी गोलियां तो हम गए लेट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, और हम कर रहे थे ऊपर से स्केट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, कुछ ज़्यादा लफ्ज़ मैंने बना दिया और बैक टू बैक बनाए और बिना सोचे बनाए, बिना लिखे बनाए। बाबा जी लाइक बटन ठोक दे, अगर अब तक नहीं ठोका, मेरा दिमाग देख लो कितना चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद यहाँ पे हम आए, उसको पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ। बाबा जी यहाँ पे हमारा भाई को रीब नीचे सीढ़ियों पे काम कर रहा था, इसको लगा नीचे से बंदा आएगा, लेकिन हमने कर दिया इसके साथ प्रैंक, क्योंकि हमने विंडो से जंप करके अंदर आ गए। अभी और भी बंदे थे जो कि दूसरी साइड पे थे, तो बाबा जी हमने लगा दी दुड़की की। और आपको बताओ मुझे, आपको ये मेरी राइमिंग कैसे लगी, कैसे मिक्स करके हमने लफ्ज़ बोले, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। और ये बंदा काफ़ी लो था लेकिन इसने नेड किया था तो मेरी जान निकल गई, मैं साइड पर आ गया। उसके बाद कैंपिंग, अब एक को मैंने मारा, एक को मेरे टीममेट ने मार दिया, तो दोनों मर गए। और यहाँ पे मिली M24, पता नहीं हमने हमारी कौन सी गर्लफ्रेंड। और उसके बाद हम 8x मिल गया और जल्दी जल्दी हमने टैप टैप करके। अच्छा, जो लोग शादीशुदा है ना और वो ये गर्लफ्रेंड वाली वीडियो देख रहे हैं, आप कभी गेम खेलते हुए ये ना बोल देना कि कार900 मेरी गर्लफ्रेंड, M24 मेरी गर्लफ्रेंड, आपकी बेगम आपको पकड़ के ना खाना वाना देना बंद कर देगी। तो गैस हमने उसके बाद मेहरान गड्डी उठाई और उड़ाते हुए यहाँ से निकाली। और उसके बाद हम सीधा पहुँचे पचिंकी यानी पिंडी, पिंडी यानी हमारा शहर। बाबा जी दुड़की लगा रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं रोड पे। थोड़ा सा आगे जाके आपको नजर आएगा, वो देखो विराज में भाग रहा है बंदा। पहले हमें भी लगा बंदा है, लेकिन ये है बॉट द ग्रेट बाबू भैया बाबू राव। और उसके बाद हमने गाड़ी साइड पर रोक के, पीछे मुझे गाड़ियों का साउंड आया था, आपको भी आया होगा, वैसे मैं काफ़ी गेम प्ले का साउंड कम करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउन किया, लेकिन इनके लिए चुरा लिया हमारे ओजे भैया ने। ओके सॉरी, ये ओजे हैं और मैं इनको डीजे बोल रहा हूँ, हम इनको डीजे बोलेंगे। और इसके बाद बाबा जी, मैंने डीजे भैया को बिठाया। अब मैं थोड़ा सा गैस करना था कि गाड़ियाँ गई कहाँ होंगी, तो प्लेन जा रहा था तो उस हिसाब से मैंने जो है ना अंदाज़ा लगाया कि ड्रॉप देखने के बाद मुझे लाइक कंफर्म हो गया, कंफर्म तो नहीं बट आपको 99% श्योर हो जाते हो आप कि अगर गाड़ियाँ मूव करनी है और वो भी क्लासिक मैच में, तो मे बी वो ड्रॉप पे ही जाएँ। तो इस चक्कर में बाबा जी हम अपनी मेहरान गड्डी भगा के लेके जा रहे हैं ड्रॉप की तरफ। वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं नहीं खड़ी, इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वहाँ हमें थोड़ी किल मिलने वाले हैं। बाबा जी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा और नाड़ा कच्चा के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। और मे बी आपके नाड़े में लास्टिक भी हो सकती है, लेकिन मेरे नाड़े में कच्चा ही है। तो हमने अपनी मेहरान गड्डी यहाँ पे साइड पे रोकी। रोकने के बाद बाबा जी, अब जहाँ पे हमने सामने एक बंदा नजर आया, और राइट में अलग बंदे और ऊपर हिल पे अलग बंदे हैं, तो पहले तो हमने इस बंदे को डाउन किया। उसके बाद वो पीछे बग्गी नजर आए, बंदे नजर आए, हमने निकाली अपनी M416, बंदे को डाउन किया। मरियम, ओके मरियम बहना हमारी, ठा करके लगाया, क्राउच करके आ रहे हैं सारा। ओके दो दो बंदे डाउन है वहाँ पे, इसको भी हेडशॉट लगा, लेकिन ये नॉक वाले को लगा तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। और ये बंदा भग लिया पीछे, स्मोक के पीछे बड़ा अकल इस्तेमाल किया इसने। मुझे यहाँ पे एंगल नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर है, तो मैंने गंदा स्प्रे मारा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाबा जी। लेकिन मुझे दो किल मेरे मिल चुके थे और एक बंदा अभी जिंदा है वहाँ पे। आप कहाँ आ रहे हैं सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, फिनिश करेंगे फ़ौरन से। और अभी स्मोक में भी बंदा है, सामने अलग बंदे हैं, हिल पे अलग बंदे हैं, बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे, अंडे गंदे गंदे अंधे बंदे बंदे। इतनी अच्छी इशारे नहीं है यहाँ, मैंने थोड़ी अच्छी कोशिश की लेकिन बनी नहीं, बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं, ये मारा लेकिन कान के नीचे नहीं लगा, दोबारा बेइज्जती हो गई। और यहाँ पे फिर साउंड आता है कि बंदा आ रहा है, गाड़ी आगे रुकी थी मेहरान गड्डी। और इसके बाद ये वाला बंदा मैंने फिनिश किया गाइस, एक बंदा फिनिश। और हाँ सर जी कहाँ से मार रहे हो, ये खड़े हैं, टक करके नॉक किया भाई को। और उसके बाद अब वो पीछे जो एक बंदा बचा था वो कीड़े करने लगा, और मैंने देखा उसका हेड निकला हुआ है। आहा सर जी हमने तो आपको देखा नहीं, टक से भेजा आपको वापस लॉबी। और उसके बाद बाबा जी हम उठाएंगे अपनी बगी यानी चिपकली और रश करेंगे ऊपर वाले बंदों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमने एक बंदा डाउन किया था। कच्चे वाले ओजे भैया डीजे भैया लेट्स गो, बगाइए अपनी बगी और यहाँ से हम जाएंगे सीधा हिल के ऊपर। बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, मौत कुछ होंगे, टक से वापस आएंगे। कुछ ज़्यादा जोर से टक कर रहा हूँ मैं, आई नो। और स्मोक के अंदर बंदे ढूंढते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, देखी जाएगी बाबा जी।
या उनकी बम पे गोलियां पड़ेंगी या हमारी बम पे गोलियां पड़ेंगी। ओहो हो, आ जाइए सर, आ जाइए। तो बाबा जी यहाँ पे इस बंदे ने बस कैसे ना करके हमारी बैंड बजा दी और हमारा जाना किस्मत ही ख़राब थी। और ये तो किस्मत ख़राब होने की शुरुआत थी। अभी आप देखोगे कि आपका अनोनिमस 300 पिंग में खेल रहा है TDM अरीना, और आप देखोगे कि 300 पिंग में अनोनिमस भैया आपके कितने गंदे मरेंगे और काफ़ी बेइज्जती होने वाली है हमारी। 3-2-1 होके मैच हुआ स्टार्ट, हम आगे गए थे वापस आकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैं बाहर गया, ये वापस अंदर आ गया, इतनी गंदी पिंग आ रही थी। और यहाँ पे एक जो थे ना बंदर के मुंह वाला, उसने बड़ा मारा गाइस हमें, लेकिन कोई बात नहीं। वेयर इज यू बंदर के मुंह वाला, मैंने भी उसको सही मारा, उसने मुझे सही मारा, लेकिन हम दोनों ने, आप बताना किसने किसको ज़्यादा मारा कमेंट में बताना। ओके, ये लगा, ये गया बंदर के मुंह वाला, इसने हमें बड़ा पेला बंदर के मुंह वाले ने। और ये बताऊँ किस तरह मारता, ये लेके आ रहा था AR, कभी बैरल कभी स्कारल, और मैं बड़ा पीटा इस गेम में, मैं दोनों M24 यूज़ कर रहा था। ये बंदर के मुंह वाला, ये देखो कितनी जल्दी हेल्थ खा गया गाइस। मेरी पिंग हाई होने की वजह से इस बंदर के मुंह वाले ने मुझे बड़ा मारा। आप ना काउंट करना, मैंने इसको ज़्यादा मारा या इस बंदर के मुंह वाले ने मेरे को ज़्यादा मारा, मुझे ज़्यादा मारा, मेरे को ज़्यादा मारा, हमको ज़्यादा मारा। आगे बढ़ते हुए बंदर के मुंह वाले, अल्लाह तुझे उठा ले। ये लगाया ये, ओके ये स्कारल से देखो फिर मुझे मार दिया भाई, रुक जा भाई। ये देखो लग ही नहीं रही भाई, हमारी गोलियां तो हवा है, निकल जाए दोबारा मार दे। बंदर के मुंह वाले तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तो, देखते जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गए आम उठाएंगे, वेयर इज यू बंदर के मुंह वाले, वेयर आर यू बंदर के मुंह। बुरा ये देखो गाइस, कवर में आ गया था फिर मर गया, जस्ट मेरी पिंग की वजह से जो कह रही है 400, और ये फिर मर गया। अब बंदर के मुंह वाले को ऐसे तो मार नहीं सकते, इसकी पिंग ठीक आ रही है, ये खेल भी ठीक रहा है। फिर मैंने अकल इस्तेमाल किया, मैंने कहा वो रास्ते ही ख़राब है, वो रास्ते नहीं लेना, हमने बड़ा मनहूस रास्ता है, हम जाएंगे सज्जी साइड से बाबा जी, सज्जी साइड से जाके फ्लैंक मारेंगे, लेग साइड से जाके पीछे जाके बम पे मारेंगे अपनी हार्ड बॉल उनके, और हम लेके जा रहे हैं शेब अख्तर जा रहा है। ये लगाया और शेब अख्तर ने ये बम पे मारी, आहा आहा हा, बंदर के मुँह वाले, बंदर का मुँह वाला मरता हुआ। उसके बाद बाबा जी हमारे हो चुके थे 5 किलो, फाइनली हमने अपना KD पूरा किया, वरना तो हम बड़े मर रहे थे। एक का KD जा रहा है, ये रहा बंदर के मुंह वाले, रुक जा बंदर के मुंह वाले भगियाँ से, वेयर आर यू अदर बंदे, आ जाओ आलू लो मटर लो। ये गया गाइस, फजर का टाइम हो रहा है, मैं पहले को तो मेरे को नहाना पड़ेगा, उसके बाद जो ना मैं क्योंकि धक्के खाता रहूँ कल, तो मेरे कपड़े वगैरह गंदे हैं, एक बार नहाऊँगा अभी सुबह सुबह, और उसके बाद मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा। आप लोग भी ट्राई करो गाइस, नमाज़ कायम करो यार, ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, तो आप ट्राई करना। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट M24 शॉट कौन सी थी। तो देखो गाइस पिंग हाई होने की वजह से कितनी गंदी मेरे को शॉट्स पड़ रही हैं। वो बंदर के मुंह वाले बच गया, इधर आ, बंदर के मुंह वाले, अरे 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 मेरे पीछे, बंदर के मुंह वाले गया। 11 किल हमारे हो चुके हैं, 8 की स्ट्रीक हो चुकी है हमारी बाबा जी, विच इज़ वेरी वेरी अच्छी न्यूज़, सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस। और 23 किल हमारे हो चुके हैं, ये लगा, ओके बेस्ती हो गई, ये लगा बंदर के मुंह वाले, ओहो हो आहा, ओके बेस्ती हो गई, रुक जा, ये लगा जाना जीमेल, इसका नाम देखो, वाह 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 वाह, ये लगा बंदर के वाला बच गया, ओके ये लगा। मुझे गाइस कमेंट करके लाजमी बताना कि आपका फेवरेट हेड शॉट कौन सा था। मिस भी कर रहा हूँ, और मैं आपको ना अपनी मिस भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मिस वाले नहीं दिखा रहा, मैं जो मिस होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं मरता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपनी पब्लिक से कुछ छुपाऊँ। तो उसके बाद हम अपना बम जो है वो ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। सबके सब लाइक बटन ठोक दो, अगर अभी तक नहीं ठोका तो गिरी चुम्मी दे दो, शेयर वेयर कर दो, 1 मिलियन करवा दो एनोनिमस की पब्लिक। ये लगा जाना जीमेल, ये लगा बंदर के मुँह वाला मरा ही नहीं किसी, इसने मार दिया, लगा मैं बॉडी शॉट मारा था उसको, ये लगा देखो फिर बॉडी शॉट लगा नहीं मारा, ये लगा ओके बंदर क्यों वाला आ रहा है, ये लगा गाइस, ये मुझे मज़ा आया इसमें क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी और वो लेके भी आ रहा था AR, ये लगा लेकिन नहीं मरा, व्हाट द हेल, आहा हा बंदर के मुंह वाले 20 किलो चुके हमारे और हमें मिली विक्टोरी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, मैंने ट्राई किया मैं आपको एक एनर्जेटिक कमेंट्री दे सकूं, वो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। उसके अलावा गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, मज़े की अपनी पिक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ और काफ़ी कुछ आप लोग को देखने को मिलता रहता है, मैं लाइव आके आपको लाइव कॉल पे लेके भी बात करता हूँ अक्सर,
और फ्यूचर में भी करता रहूँगा, तो इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर देना। व्लॉग्स के लिए सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दो एनोनिमस 360। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।